नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आइए जाने संबल योजना के बारे में अपडेट, जानते हैं पूरी जानकारी। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सरकार पर साधा निशाना। 13 नवंबर 2019 का अपडेट है। संबल योजना गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इस योजना को बंद करके इसका नया नाम दे करके इस पर कुछ नई जानकारी दी है। चलिए देखते हैं। संबल योजना में बड़ा घोटाला। श्रम मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने 3 महीने में कराई सभी जिलों में जांच। संबल का लाभ लेने वाले 70 लाख लोग अपात्र पाए गए। इसमें लगभग 35,000 को भी लाभ दे दिया गया है जो अपात्र थे। जांच में संबल का लाभ लेने वालों की सूची में आयकरदाताओं, व्यापारियों तथा अमीरों के नाम पाए गए, जो गलत है। शिवराज ने कहा कि संबल योजना बंद कर दी गई है, बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं। 11 नवंबर 2019 का अपडेट है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। मध्य प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में गरीबों के लिए शुरू की गई संबल योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने संबल योजना की जांच कराई तो इसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। असल में योजना का लाभ गरीबों के बजाय आयकरदाताओं, व्यापारियों और उस समय सत्तारूढ़ दल के अधिकारियों को मिलने लगा है। संबल योजना में घोटाले के आरोप पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कमलनाथ सरकार ने गरीबों का गला घोट दिया है। संबल योजना बंद कर दी गई है, बिजली के बिल 1,000 रुपये में आ रहे हैं। इन्होंने तो गरीब की लाश के 5,000 कफन के पैसे भी छीन लिए हैं। जानते हैं उनके मुँह से क्या कहा है उन्होंने संबल योजना के बारे में। ऐसे बोराए और बौखलाए हुए लोग जो प्रदेश को लूट लूट के खा रहे हैं, जिन्हें भ्रष्टाचार के नित नए रिकॉर्ड स्थापित किए, पूरा मध्य प्रदेश तबाह करने पर लगे हुए हैं। अब जब हम मांग करते हैं कि बिजली के बिल 200 लो तो पता नहीं कहां से निकाल लाते हैं। 3 क्राइटेरिया थे संबल के। नंबर 1, शासकीय सेवा में नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इनकम टैक्स पे ही नहीं होना चाहिए। और नंबर 3, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। इसके नीचे वाले जितने वो संबल योजना में पात्र थे और ये सरकार उनको लाभ नहीं देना चाहती। मुझे पता नहीं कहां से घोटाले की बात लेके आ गए। शर्माना चाहिए, काहे का घोटाला? गरीबों को लाभ देना घोटाला है क्या? हर बात पर नहीं देना तो घोटाला हो गया। घोटाला हो गया तो करने वालों को जेल भेज दो, कौन मना कर रहा है? करेंगे। रोज रोज ये हो गया वो हो गया। गरीबों के हक छीनने वालों, जनता देगी इस बात का जवाब। और जो करना है करो। 3 क्राइटेरिया थे, उसके आधार पर जो गरीब थे, निम्न मध्यम वर्गीय थे, उनको संबल योजना का लाभ दिया और इस सरकार ने गरीबों का गला घोट दिया, संबल योजना बंद कर दी, बिजली के बिल 1,000 रुपयों के आ रहे हैं। अरे बिजली के बिल तो छोड़ दो, बच्चों की फीस नहीं भरवा रही। हमारी बहनों को हम पैसा देते थे संबल योजना के अंतर्गत। जन्म के पहले बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, वो इनने छीन लिए। और इनने तो गरीब की लाश से कफन के 5,000 रुपया छीन लिए। किस मुंह से बात करेंगे ये, पहले इसका जवाब दें। समझ में नहीं आ रहा कि रुपया जा कहां रहा है। इनने 2,35,000 करोड़ का बजट है मध्य प्रदेश सरकार का। इनने डीजल पेट्रोल पर 3-3 रुपया बढ़ा दिए, शराब पर बढ़ा दिए। जनता का खून चूस के पैसे निकाले जा रहे हैं और कर्मचारियों को दे नहीं रहे, किसान को दे नहीं रहे, गरीबों को दे नहीं रहे, बच्चों को दे नहीं रहे, तो पैसे जा कहां रहे? इसका जवाब देना पड़ेगा कमलनाथ। तो इस प्रकार से जानकारी थी संबल योजना अपडेट के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।